नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीसीएस 2019 का प्री का कट ऑफ है ये, ठीक है, 200 नंबर में से है। अब देखिए ये किस में कट ऑफ है, 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 200 नंबर का पेपर होता है, हर एक क्वेश्चन पुट बटा 3 नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1/3 ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि 3 गलत क्वेश्चन पे एक सही वाला काट दिया जाएगा। अब देखो ये जो सामान्य ग्रुप है इसका एग्जीक्यूटिव ग्रुप में जनरल का अगर आप कट ऑफ देखें 117 नंबर है 200 में से, यानी कि क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो 87.75 क्वेश्चन एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्शन किया गया था जो मैंने वीडियो बनाया था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बाकी भी देख सकते हैं आप यूपी के एससी का, जो एससी एसटी कैटेगरी होते हैं यूपी के ही माने जाते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेट के अगर होते हैं तो वहाँ यहाँ पे इंडिया सॉरी यूपी में जनरल माने जाते हैं। तो ये एससी का 99, एसटी का 77, ओबीसी का सेम ही रहता है तो 116 गया है, ईडब्ल्यूएस का 117 गया, जनरल के सेम है, यूपी का डीएफएफ का 104 गया है, ठीक है, और पीएच वाले में अगर आप ओए का 88, पीबी का 81, पीडी का 81 और 77, ओएल का है यहाँ पे 107 ओएल, और ये जो है एक्स आर्मी वाला है 87, ठीक है, महिलाओं का 109 नंबर है, यानी कि 81.75 क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन भी नेट में सही थे तो हो गया होगा उन लोग का है। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह गा वाले में अगर आप देखें तो इसमें जनरल का 114 गया है, ओबीसी का 110 गया है, जिला उद्यान अधिकारी में आपका जनरल का 112 गया है और ओबीसी का 105 गया है, ठीक है, लेखा एवं संप्रेक्षा अधिकारी में जनरल का 94 गया है, एससी का 70 और ओबीसी का 92 गया है, ईडब्ल्यूएस का 104 गया है, लॉ ग्रुप वाले में जनरल का 104 गया है, एससी का 74, ओबीसी का 96 और ईडब्ल्यूएस का 109 गया है, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक में जनरल का 82 गया है और ये ओबीसी का 80 गया है, ईडब्ल्यूएस का 91 गया है और महिला का 81 गया है, नंबर है ये सब। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी में आपका जनरल का गया है 80, एससी का 71, ओबीसी का भी 80 गया है, ईडब्ल्यूएस का 84 गया है, महिला का 81 गया है, ठीक है, एसीएफ आरएफओ में 123 गया है, देख सकते हैं आप, ओबीसी का बहुत ज्यादा गया है 138, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रिजर्वेशन वाला जो है वो फाइनल स्टेज पे इम्प्लीमेंट होता है, इंटरमीडिएट स्टेज पे नहीं, ऐसा कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन इसमें कई कई डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। ईडब्ल्यूएस का 127 और यूपी के डीएफएफ जो डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स होते हैं 106 और ओए का 81, पीडी का 85 और महिला का 119 गया है, ये है 100 यूपीपीएससी 2019 का कट ऑफ है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा कट ऑफ है, इसकी पीडीएफ भी दी हुई है। इस वाले चैनल को भैया तुरंत फॉलो कर लो अगर यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्ट होना है तो, पीसीएस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में आपको सही बात सिलेक्शन लेना है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए तो भैया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ हो जाओ बस। दुनिया में कई सारे फालतू लोग हैं, उन फालतू लोगों से बचे और अपना टाइम और मनी दोनों को बचाएं और भैया सिर्फ पूरा अपना फोकस सिलेक्शन में लगाएं, उतना पढ़ो सिर्फ जितने में सिलेक्शन हो जाए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपीपीएससी में लगातार हमने प्रयास किए हैं पिछले 4-5 सालों में और अगर आप देखें बताइए 88 भी यहाँ पे जो है टोटल अगर आपके सही होते क्वेश्चन नेट में तो भी हो जाता, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से विद प्रूफ हमने दिखाया है कि पिछले 4-5 सालों में 150 क्वेश्चन में हर बार 125 से 30 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, 2021 वाला भी प्रूफ दिखाया, सारी पीडीएफ इसी टेलीग्राम में दी गई, ये देखे 2021 की पीडीएफ है ये, 110 क्वेश्चन तो डायरेक्टली दिखाए थे, 20 इनडायरेक्टली थे, 130 क्वेश्चन आए थे 2021 में भी, उसका भी जब कट ऑफ आएगा तो उतना ही रहेगा जितना हमने बताया था। भैया सिंपल बात यही है कि यूपीपीएससी में अगर सिलेक्ट होना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लो, एक ही सोर्स को 10 बार पढ़ लो, 10 सोर्स को फॉलो करके पीएचडी मत करो, नहीं तो पीएचडी करते रह जाओगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
हमारा कंटेंट ऑथेंटिक जेन्युइन पाने के लिए सिर्फ ये तीन नंबर है, ध्यान रख, इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर 7836926198। डेली फ्री क्विज चलती है इसमें भैया, तुरंत ज्वाइन कर लो और फॉलो करो। अभी 50 क्वेश्चन डेली फ्री दे रहे हैं, इस वीडियो पे 30,000 लाइक आ जाएंगे तो 100 कर देंगे।